हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है इसमें? अभी तक हमने यहाँ पर केवल और केवल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो हम लास्ट लेक्चर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन को डील कर लेते ताकि आपको कंसेप्ट का एक और बार वो एक्सपीरियंस आपको हो जाए कि क्या हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, तो आपको पता पड़ गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही यहाँ पर खेल चल रहा है सब कुछ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लिगेंड और उसके टाइप, लिगेंड का काम क्या है, लिगेंड का काम क्या है, सेंट्रल मेटल आयन क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया होगा तो नोमेनक्लेचर में रोमन नंबर में हम वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर को लिख सकते हैं। यहां तक आपको कंप्लीटली आई होप कि समझ में अच्छे से आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार और आप लेक्चर को रिपीट करिए, फिर भी नहीं आता है तो आप डायरेक्टली मुझसे डाउट पूछ लीजिए। डोंट वरी अबाउट दैट। अब आप इस पॉइंट को समझिए कि नोमेनक्लेचर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो आप लोगों ने आई होप कि कर लिया होगा, फिर भी हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम पिछले कॉन्सेप्ट को बेस बनाते हुए नए क्वेश्चन को डील कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हर टाइप के क्वेश्चन हम डील कर लेंगे, डोंट वरी। अब देखो यहां पर पहला क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये लास्ट लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर अब नए अब हम क्वेश्चन करेंगे। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आपको फॉलोइंग कंपाउंड के नाम लिखने हैं। पहला कंपाउंड है आपका यहाँ पर निकल, DMG ट्वाइस। ठीक है, सेकेंड है आपका लिथियम, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कॉमन नेम है। ठीक है, और इसका थर्ड आपको क्या बोलोगे, Na BH4। और फोर्थ आपका है यहाँ पर बच्चों PtGly ट्वाइस Br। ठीक है, अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे बच्चों, समझते हैं। आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन सारा नॉलेज है, आप लोगों को बस क्वेश्चन को समझना है कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ। ठीक है, उस पर फोकस करना है बस, पॉइंट पर। ठीक है, पहले वाले कॉम्प्लेक्स को क्या मैं तोड़ सकता हूँ, क्या ये अपने आयंस में टूटेंगे, हाँ या ना? यहाँ पर ना तो कोई कैटायन है ना तो कोई एनायन है, ये केवल और केवल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, जिसके ऊपर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कौन सा होते हैं, जिसके ऊपर चार्ज क्या हो, जीरो हो। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, जीरो है। सबसे पहले अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, क्या निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले आप निकालेंगे, फिर उसके बाद हम नाम लिखेंगे ताकि आपको जल्दी यहाँ पर आपके रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आपका वहाँ पर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। दो मिनट साफ कर लेता हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, हमेशा सेंट्रल मेटल आयन आइडेंटिफाई, व्हाट इज अ सेंट्रल मेटल आयन, दिस इज अ सेंट्रल मेटल आयन एंड दिस इज व्हाट, लिगेंट। और लिगेंट का टाइप कौन सा है, दैट इज अ बाइडेंटेड लिगेंट विच कैन गिव लिगेंट इन विच टू एटम कैन डोनेट लोन पेयर, टू एटम कैन डोनेट लोन पेयर एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे दो एटम आपके लोन पेयर देंगे। अब दो एटम लोन पेयर देंगे तो कितने लोन पेयर देंगे, दो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंट। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ बाइडेंटेड लिगेंट। ठीक है, देन आफ्टर इसका क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, डीएमजी का कितना हुआ, टू हो गया। एक डीएमजी पे चार्ज कितना होता है बच्चों, डाई मिथाइल ग्लाइसिनेटो, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया है। ठीक है, आप उस पर देखिए चार्ज कितना होता है, -1। डीएमजी पे चार्ज कितना होता है, यहाँ पर भी ध्यान रखिए इसको शॉर्ट में भी, डीएमजी पे चार्ज कितना होता है, -1। देन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +2, मतलब इस पे निकल जो है वो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर लाई कर रहा है बच्चों, यहाँ पर +2 वाला, कौन सा वाला लाई कर रहा है, +2 वाला। ठीक है, आई होप कि आपको अब समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। लिथियम के ऊपर हमेशा +1 होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, अल्कली मेटल है, इसके ऊपर -1 होगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमको, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है,
यहां पर आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि यहां पर आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा होगा। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट यहां पर बच्चों आपका होगा ये वाला। अब कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, एनायन या कैटायन? कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका क्या है, एनायन है या कैटायन है? तो पहले पता लगाओ यहां पर एनायन है, कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका क्या है, एनायन है। अब कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर आपका एनायन है तो यहां पर क्या होगा बच्चों, देखो अब मैं एल्यूमिनियम को क्या मान लूं, एक्स मान लेता हूं, एल्यूमिनियम को क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। इसका मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहां पर एक्स, ठीक है, एच के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, और टोटल नेट चार्ज कॉम्प्लेक्स पे कितना है, -1। देन एक्स इक्वल टू व्हाट विल बी द आंसर हियर, एक्स इक्वल टू 3। तो यहां पर एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, 3। अब इसको भी तोड़ो एक बार, Na प्लस BH4 माइनस, अब बोरोन का निकालना है तो बोरोन का क्या मान लिया बच्चों मैंने, X4 -1 इक्वल टू -1, देन X इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर 3, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा +3। आई होप सो कि आपको अब समझ में आने लग गया होगा। अब देखो यहां पर बातों को समझना, अब देखो इसको दो पार्ट में तोड़ो, अब आपको पता पड़ गया होगा किस तरीके से तोड़ना है, ठीक है। अब देखो यहां पर Br के ऊपर प्लस आ जाएगा, सॉरी Br के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। अब देखो आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको मान लो लेट सपोज X, GlY के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों, -1। लास्ट लेक्चर्स में मैंने लिखवाया है, एक बार और आप फोकस करो। अब X इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, -2 + 1। अब जब ये यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये -2 है, GlY 2 यहां पर आ जाएगा बच्चों, GlY, और यहां पर Br 2 होगा, ये आपका 2Br होगा, ये आपका कितना होगा, ये आपका होगा Br 2, क्या होगा बच्चों यहां पर, ये Br 2, तो यहां पर 2Br होगा, तो यहां पर कितना चार्ज आएगा, 2+, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों +2। इसको मैंने चेंज किया है इसलिए मैंने रेड मार्कर से लिखा है, ध्यान रखना। अब देखो x का क्या क्या होगा बच्चों, x, अब ये -2 वहां जाएगा तो +2, टोटल कितना आ गया +4, तो यहां पर प्लेटिनम के ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, +4, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मुझे क्वेश्चन को डील करना है। नाउ अब हम निकालते हैं बच्चों इससे रिलेटेड इसका नंबर, इसका मतलब नेमिंग लिखते हैं, नेम लिखते हैं बच्चों। अब देखो नेम में सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, अगर सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, क्या यहां पर किसी टाइप का कैटायन है, हाँ या ना, नहीं है। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैटायन नहीं है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स पार्ट के नाम में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लीगेंट का, किसका नाम लिखते हैं, लीगेंट का। अब देखो लीगेंट क्या है, बाइडेंटेड है, दिस इज अ बाइडेंटेड लीगेंट, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज बीस ट्रीस, टेट्राकिस, पेंटाकिस एट द पोजिशन ऑफ डाइट्राइट टेट्रा, ठीक है, तो उसकी जगह हम इसको यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर नाम बोलो, 20 डाई मिथाइल ग्लाइसिनेटो, ये हो गया नाम इसका। अब यहां पर हो गया इसका नाम, अब क्या लिखेंगे, निकल। क्या कॉम्प्लेक्स आपका माइनस पार्ट में है या पॉजिटिव पार्ट में, क्या कॉम्प्लेक्स आपका माइनस पार्ट में है या पॉजिटिव पार्ट में? अगर कॉम्प्लेक्स आपका माइनस पार्ट में होता है तो मेटल के नाम के पीछे एट लगाते हैं, लेकिन यहां पर आपको क्या दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स ना तो माइनस पार्ट में है ना तो आपका पॉजिटिव पार्ट में है, तो क्या करेंगे, तो हम एट वेट का यूज नहीं करेंगे। चलो तो क्या आएगा यहां पर, निकल, क्या जाएगा बच्चों यहां पर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया था, सेकेंड। आई होप सो कि अब आपको बहुत ही अच्छे से फाइन तरीके से क्लेरिफाई हो गया होगा कि कंसेप्ट को आपको किस लेवल तक लेके जाना है, ठीक है, काफी इजी कंसेप्ट है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं नेम ऑफ द सेकेंड कंपाउंड, सेकेंड कंपाउंड का नाम लिखना अब हम स्टार्ट करते हैं, काफी इजी है। देखो इसमें हाँ, क्या यहाँ पर कोई कैटायनिक पार्ट है या एनायनिक पार्ट है या नहीं है, हाँ है, कौन है, लिथियम +1 है सर, आप लोगों ने बोल दिया कि लिथियम +1 है सर। कौन सा पार्ट एनायनिक है, एल्यूमिनियम H4- है ना, दोनों पार्ट है। अब यहाँ पर लिथियम +1 है तो इसका नाम क्या बोलेंगे, लिथियम। इस पे अगर ये दो होता तीन होता तो क्या मैं डाइट्राइड लगाता, नहीं लगाता, काउंटर, अगर काउंटर आयन में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इसका यूज
नहीं करते। एक और बार बता रहा हूं, काउंटर आयन में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इसका यूज बिल्कुल नहीं करते। अब बताओ नाम क्या होगा बच्चों इसका? लिथियम, लिथियम। अब ये नेगेटिव वाला है, चलो नाम लिखो। यहां पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिगेंड का नाम टेट्रा हाइड्राइडो, टेट्रा हाइड्राइडो। अब इसको क्या लिखेंगे? एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। यहां पर क्या हो जाएगा? थर्ड। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा बच्चों? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सोडियम, सोडियम। अब क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर? टेट्रा सोडियम टेट्रा हाइड्राइडो, हाइड्राइडो। यहां पर क्या हो जाएगा? बोरेट, बोरेट। अब क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर? थर्ड। क्लियर हुआ? इसमें बताओ अब इसका नाम। अब यहां पर कॉम्प्लेक्स कौन से साइड है? कॉम्प्लेक्स आपका पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड है तो नाम लिखिए। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, लेकिन यहां पर GLY, सबसे पहले लिगेंड का, कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले लिगेंड का। तो यहां पर GLY कैसा लिगेंड होता है बच्चों? मैंने बताया था GLY आपका बाइडेंटेड लिगेंड होता है। कौन सा लिगेंड होता है? बाइडेंटेड लिगेंड। और बाइडेंटेड लिगेंड के नाम में नाम क्या के 20 ट्रीस टेट्राकिस पेंटाकिस लगाते हैं, ना कि डाइट्राई पेंटा, उसको उसको बताने के लिए। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ लिगेंड बताने के लिए डाइट्राई पेंटा नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? 20 ट्रीस टेट्राकिस पेंटाकिस। समझ में आया? 5 होगा तो पेंटाकिस, अगर 4 होगा तो टेट्राकिस, 2 होगा तो 20 और 3 होगा तो ट्रिस। तो यहां पर 2 है तो क्या यूज करेंगे बच्चों? यहां पर 20 इसका नाम क्या होता है? ग्लाइसिनेटो। क्या होता है बच्चों इसका नाम? ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो हो गया। ग्लाइसिनेटो के बाद क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर? प्लस चार्ज है, इसको बोलेंगे प्लेटिनम। क्या बोलेंगे इसको? प्लेटिनम, क्योंकि पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड हम एट का यूज नहीं करते। मेटल के नाम के पीछे सफिक्स लिखने के लिए हम एट का यूज नहीं करते। तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? प्लेटिनम लिख दिया मैंने। प्लेटिनम के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया बच्चों आपका? 4। उसके बाद हम इसका नाम लिखेंगे। क्या काउंटर आयन के नाम के आगे डाई ट्राई पेंटा लगाते? नहीं लगाते, सिंपल नाम लिखते। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ब्रोमाइड। आई होप सो कि अब आपको कंप्लीटली कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक तो कल मैंने पढ़ाया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम कुछ और कंपाउंड्स के नाम के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड्स। देख लेते हैं यहाँ पर अब हम पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड्स, तो चालू करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर चालू करते हैं पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक्चुअली होता क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये एक्चुअली होता क्या है? सबसे बड़ी आप लोगों के में प्रॉब्लम ये आएगी कि ये एक्चुअली होता क्या है, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्चुअली में होता क्या है, क्या है ये? तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच ब्रिजेस आर प्रेजेंट। ठीक है, एज एग्जाम्पल से अब हम समझते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल से अब हम समझते हैं, और इसका नाम भी यहीं पर लिखेंगे। ठीक है ना, तो देख लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल लिखा देता हूँ कुछ, और नाम भी हम लिखेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन के टर्म में हम इसको करेंगे। और इसको ध्यान रखना, ये अक्सर आपसे अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन क्या पता आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करो कि ये वाला क्वेश्चन अगर आए तो इसमें पूरे में से पूरे मार्क्स उठाने। बोनस क्वेश्चन, दिस इज अ बोनस क्वेश्चन फॉर यू। ये आपके लिए कौन सा क्वेश्चन होगा? बोनस क्वेश्चन साबित होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन साबित होना चाहिए? बोनस क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से इसको करना है। तरीका तो वही रहेगा, लेकिन हमको इसको बोनस क्वेश्चन के तरीके से करना है। कौन से क्वेश्चन के तरीके से करना है? बोनस क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखो इधर, ये आप लोगों के लिए प्योर बोनस क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर
देखो अब ये है आपका, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, बेटा पॉइंट को समझते हैं। हाँ दिस इज अ पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, दिस इज व्हाट पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ये एक टाइप का आपका क्या है बेटा, पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। अब पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में बात को समझना, जो ये जो जा रहा है लाइन, ये जो जा रहा है लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिज। ये दोनों लाइन वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रिज। क्या बोलते हैं, ब्रिज। ये ब्रिज, इसको भी क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर ब्रिज। अब देखो ब्रिज फॉर्म करने के लिए भी कुछ ना कुछ स्पेसिफाई लिगेंट होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे ब्रिजिंग लिगेंट। जो लिगेंट लिगेंट जो आपका ब्रिज फॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग लिगेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रिजिंग लिगेंट। तो एको टाइप मैंने आपको बताया अभी इस क्वेश्चन में, तो यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान रखना है कि व्हाट इज अ ब्रिजिंग लिगेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेफिनेशन, ब्रिजिंग लिगेंट क्या होते हैं, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, फिर इसके नीचे इसका नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपका आप लोगों का यहाँ पर ब्रिजिंग लिगेंट क्या होगा, ब्रिजिंग लिगेंट समझ लेते हैं, ब्रिजिंग लिगेंट क्या होगा, लिगेंट विच कैन फॉर्म, लिगेंट विच कैन फॉर्म, विच कैन फॉर्म फॉर्म ब्रिज, ब्रिज इन इन पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। या फिर एक और डेफिनेशन हम लोग इसमें बोल सकते हैं, एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, लिगेंट विच इज अटैच विद टू सिमिलर या फिर टू डिसिमिलर सेंट्रल मेटल आयन एट अ टाइम। लिगेंट विच इज अटैच विद टू सिमिलर या टू डिसिमिलर सेंट्रल मेटल आयन एट अ टाइम बाय ब्रिज। तो क्या बोल सकते हैं, ये भी एक तरीका हम बोल सकते हैं, लिगेंट विच इज अटैच विद विच कैन अटैच विद टू और मोर देन टू, ये भी लिख लेते हैं, मोर देन टू सिमिलर और डिसिमिलर सेंट्रल मेटल आयन एट अ टाइम बाय ब्रिज कॉल्ड ब्रिजिंग लिगेंट। ये आप समझ में आ गया। और जिसके अंदर ब्रिज लिगेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ये जिसके अंदर ब्रिज हो उसके अंदर क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलने का मतलब सिंपल एक ही है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा CMI हो, जिसके अंदर एक से ज़्यादा CMI हो उसको पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, या फिर जिसके अंदर ब्रिज हो वो आपका पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ऐसा भी बोल सकते हैं, सिंपल है। अभी हमको इतना डिटेल में नहीं जाना क्योंकि ये बहुत ही कम पूछा गया है, जो चीज़ पूछा गया वो मैंने कल पढ़ा दिया, लेकिन ये फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दो ही एग्जाम्पल को आप कम से कम प्रैक्टिस कर लो 2 से 3 बार, ताकि आपको ध्यान रहे। नहीं तो क्या होता है कि हम ऐसा तो नहीं है कि फिक्स है कि यही आएगा, ऐसा तो नहीं है कि ये फिक्स है आपका यही आने वाला है, नहीं, फिक्स आपका कुछ नहीं होता। हमको तो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर ले, अगर बाय द वे ये आया तो हम डरे नहीं, और बच्चों की तरह हम उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ब्रिज लिगेंट कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल बता देता हूं इसका, CO हो सकता है, NH2 हो सकता है, OH हो सकता है, CL हो सकता है, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन इतने सफिशिएंट है, इतने आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाला सीखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं इसका, देखो इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है बच्चों, 0। चलो ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन है, कोबाल्ट है और क्रोमियम है। कोबाल्ट को मैंने मान लिया X, क्रोमियम को मैंने मान लिया Y। तो यहाँ पर क्या होगा, देख लो यहाँ पर दो EN के ऊपर चार्ज कितना, 0। CO को क्या माना, X। वो NH2 के ऊपर, एक NH2 के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1।
तो एक एन एच टू के ऊपर चार्ज माइनस वन, फिर नीचे भी है एक ओ एच के ऊपर चार्ज आपका माइनस वन, ठीक है, फिर क्रोमियम आया वाई, फिर एन एच थ्री के ऊपर चार्ज कितना होता है जीरो, तो यहाँ पर टू इंटू जीरो, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर टू सी एल के ऊपर चार्ज कितना होता है माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब इसको कैलकुलेट करो, दो ये माइनस वन ये आपका क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर माइनस वन और यहाँ पर माइनस टू और यहाँ पर माइनस वन है, यहाँ पर क्या है बच्चों माइनस वन है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो, यहाँ पर क्या है माइनस वन है, एक दो हाँ माइनस टू ना, अब देखो हाँ यहाँ पर माइनस वन है, अब बताओ इसका इसका कैसे लिखोगे बच्चों, अब देखो टोटल नेट कितना है माइनस वन के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर नाम आप लोग कैसे लिखोगे, इसका नाम लिखने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए, एक बार ट्राई करो आप लोग को, कोशिश करो एक बार। तो यहाँ पर x x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस सॉरी यहाँ प्लस वन होगा, प्लस वन है, ये प्लस वन है बच्चों, प्लस वन है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस टू वहाँ जाएगा तो प्लस टू, ये माइनस टू मतलब टोटल कितना आएगा, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी फाइव। अब क्रोमियम का तो प्लस थ्री होता है, तो कोबाल्ट का बचा हुआ क्या हो जाएगा टू, देखो क्रोमियम का वाई माना है, वाई अगर तीन होगा तो एक्स कितना होगा दो होगा, ठीक है, ये मैंने निकाल लिया, चलो ये मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब चालू करें नाम लिखना, अब देखो इसका नाम लिखने का एक ही तरीका है, देखो अब सबसे पहले इस तरफ से फ्लो बनाते जाओ, इस तरफ से आप लोगों को फ्लो बनाते जाना है, ठीक है, फ्लो इस तरफ से फ्लो बनाते जाओ। चलो लिखो नाम, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम क्या होगा बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, बीस बीस, क्योंकि बाइडेंटेड है ना, अब तो आ गया होगा बीस इथाइलिन डाई अमाइन, लिख लिया, देन आफ्टर कौन आ रहा है बच्चों कोबाल्ट, लेकिन ये पॉजिटिव वाले में ना, तो पॉजिटिव वाले में सिंपल नाम लिखेंगे कोबाल्ट, और कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है बच्चों सेकंड, आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या आ रहा है, अब रास्ते में कौन आया, ब्रिज आया, रास्ते में क्या आया ब्रिज आया, ब्रिज को हम किससे दिखाएंगे म्यू से, म्यू ये वाला म्यू का साइन है म्यू। अब ये इसका नाम क्या होता है अमाइडो, और इसका नाम क्या होता है बेटा हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो बोलो या हाइड्रोक्साइड हो बात एक ही है, तो मैं हाइड्रोक्सो बोल देता हूँ, या फिर आप लोग जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, इसमें हाइड्रोक्सो बोल दिया। अब बोलो क्या नाम होगा, म्यू अमाइडो म्यू डैश, अलग है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर आगे चलो, अब इन सब में से भी सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, चलो लिगेंड का नाम लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाई अमाइन डाई क्लोरो। अब मेटल का नाम लिखो क्रोमियम, क्रोमियम क्या आ जाएगा, क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना है थर्ड, तो ये इसका नाम हो जाएगा। समझ में आया, कैसे करना है समझो, सबसे पहले यहाँ से लिखो 20 इथाइलिन डाइअमाइन, उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट को कोई प्लस चार्ज है तो कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिख लेंगे, कोबाल्ट सेकंड। अब ब्रिज पे जा रहे तो ये आपका म्यू वाला ब्रिज, तो ये आपका म्यू डैश वाला, ठीक है, तो म्यू अमाइडो म्यू डैश हाइड्रोक्सो, फिर इसका नाम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिगेंड का नाम, इस तरफ भी लिगेंड का नाम लिखते जाओ, डाई अमाइन डाई क्लोरो क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम के ऊपर चार्ज जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर ही निकाला था ना मैंने, ये ध्यान रखो। चलो ठीक है, आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा, एक बार हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग खुद से करेंगे या मैं बताऊं, आई होप सो कि आप लोगों को खुद से एक बार ट्राई मारना चाहिए, ये ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू दिस। मैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर बता देता हूँ, यहाँ पर SO4 इसको तोड़ेंगे तो एक इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस फोर, और इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस फोर, और यहाँ पर आ जाएगा SO4 टू माइनस जो कि आपका दो होगा, तो टोटल माइनस चार और यहाँ पर प्लस फोर, तो प्लस फोर आएगा और इसके ऊपर आ जाएगा ये आपका माइनस टू होता है, तो हाँ ये आपका आपका इसको मैंने तोड़ा, मैं तोड़ के ही बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, टू एस ओ फोर टू माइनस, ठीक है। अब इस पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, निकालो देखो सी ओ का मैंने मान लिया एक्स, और ये वाला भी सी ओ सेम है सिमिलर है ना, तो मैंने क्या मान लिया ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी बोलो एक्स 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 एक्चुअली दो ई एन का कितना होगा जीरो, फिर एक्स, फिर यहाँ पर एक है तो इसका कितना होता है वन का माइनस वन, अमाइडो का माइनस वन होता है, जिसके अंदर ओ एंड होता है उसके अंदर 100% माइनस तो होना ही है,
चलो अब देखो ओ यहाँ पर ओ एच का क्या होगा माइनस वन, ठीक है। अब कोबाल्ट का क्या हुआ एक्स, देन आफ्टर ई एन का क्या होगा टू इंटू जीरो, इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है प्लस फोर। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों गौर करो, टू एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स आ जाएगा, देखो आ रहा होगा माइनस 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 टू, माइनस टू आ जाएगा प्लस सिक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया थ्री आ गया, मतलब एक कोबाल्ट पे कितना चार्ज है प्लस थ्री और प्लस थ्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्रोमियम का थ्री माना है ना, इसके रिस्पेक्ट में इसको मान लिया, चलो ठीक है। आप देखो नाम लिखो इसमें, इसका नाम कैसे लिखेंगे बच्चों, हम लोग नाम लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, अब बाइडेंटेड है तो क्या लिखेंगे बेस, आप भी साथ साथ बोलते जाओ, देखो कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, बेस इथाइलिन डाई अमाइन। अब देखो यहाँ मैंने डबल एम का यूज़ किया है एनएच थ्री के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखो बार बार, यहाँ आप लोग जहाँ जहाँ सिली मिस्टेक करोगे वो मैं आपको पहले ही बताता जा रहा हूँ। बीस इथाइलिन डाई अमाइन, अब इसका नाम हो गया, इसका नाम बोलो कोबाल्ट, कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सी ये प्लस वाला है तो कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा थर्ड, अगर ये माइनस होता तो कोबाल्टेट लिखता, यहाँ पर भी कोबाल्टेट लिखता, अगर ये माइनस होता तो यहाँ पर अगर कोबाल्ट है यहाँ पर क्रोमियम है तो यहाँ पर कोबाल्टेट लिखता और यहाँ पर क्रोमियम लिखता अगर इसके ऊपर माइनस होता तो, ठीक है ये भी बता दिया। चलो अब आगे क्या होगा, ये मैंने मान लिया म्यू वाला ब्रिज, ये मैंने मान लिया म्यू डैश वाला, तो म्यू अमाइडो, क्योंकि अमाइडो का ए पहले आएगा कि हाइड्रोक्सो का एच, एच पहले आता है कि ए पहले आता है, आपका ए पहले आता है, तो म्यू अमाइडो म्यू डैश, इसका नाम हाइड्रोक्सो होता है, इसका नाम अमाइडो होता है, ठीक है। तो वो अमाइडो का ए पहले आता है फिर एच वाला लिखते हैं, म्यू डैश हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्सो, ठीक है म्यू डैश हाइड्रोक्सो। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, बीस इथाइलिन इथाइलिन डाई अमाइन लिख दिया, अब यहाँ पर क्या जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड, ठीक है ये तो हो गया पूरा नाम। अब बाहर क्या था, यहाँ पर बाहर आपका था यहाँ पर एसओ फोर ट्वाइस था, तो इसको क्या लिखेंगे, क्या यहाँ पर डाइट्रा का ये यूज़ करने वाले नहीं करने वाले, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग सल्फेट। आई होप सो कि अब आपको क्लेरिफाई हो गया होगा कंसेप्ट, किस तरीके से ब्रिज पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का आपको नाम लिखना है, बहुत ईजी था, बहुत सिंपल था, बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ईजिली हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। इतना अगर आपने अच्छे से कर लिया तो मोर देन सफिशियंट है, और कॉपी के एग्जाम्पल जितने आपने अच्छे से किए बहुत ज़्यादा है बच्चों, ठीक है। अब इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर मैं जो बनाने वाला हूँ वो एक्चुअली इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर जो मैं दूंगा वो क्वेश्चन बेसिस दूंगा 30 मिनट का, वो आपको करना है, वो आपको करना है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं अगला। अब देखो यहाँ तक तो हमने नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया, नोमेनक्लेचर को समाप्त कर दिया, ठीक है नोमेनक्लेचर को हमने क्या कर दिया समाप्त कर दिया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर नोमेनक्लेचर को हमने यहाँ पर समाप्ति की ओर ले गए, अब हम देख लेते हैं अब आगे आगे की बातें, आगे जो इंपॉर्टेंट है टर्म्स उसको अब हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक बेटा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, चलो ठीक है मैंने मान लिया कि डबल सॉल्ट होता है, हाँ मैंने मान लिया, मैंने आपको बोला डबल सॉल्ट होता है आपने मान लिया, बहुत बढ़िया मान लिया, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है आपने मान लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन सर मुझे ये आप लोगों के मन में ये डाउट होना चाहिए कि सर मुझे आप ये बता दो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है उसमें बॉन्डिंग का तरीका क्या है, ये बस इतना मुझे बता दो बाकी मैं कर लूँगा। तो वो चीज़ समझो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो है, सर आपने बताया कि हर जगह आपके बॉन्डिंग होती है केमिकल में, बताया था मैंने ऐसा ही बताया था ना, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते वक्त बिना बॉन्ड के आपका कोई एटम एटम के बीच जो इंट्रैक्शन होता है उसको ही बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पर भी तो कोई ना कोई बॉन्डिंग होगी, तो उसके थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो समझो यहाँ पर देखो यहाँ पर तरीका मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग को जनरली हमने चार तरीके का यहाँ पर थियोरी आई, चार तरीके की थियोरी आई, ठीक है। कितने टाइप की थ्योरी आई बच्चों,
फोर टाइप की आएगी। कितने टाइप की थ्योरी आई बच्चों यहाँ पर? फोर टाइप की। अब कौन कौन सी आई मैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंड कौन सी आई बच्चों यहाँ पर? सेकेंड आपका आया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसके बाद आपका आया यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। इसके बाद आपका यहाँ पर आया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैसे तो बहुत सारे कंसेप्ट आ चुके हैं अभी तक। बात को ध्यान से समझो, लिगेंड फील्ड थ्योरी भी आ चुका है, LMCT भी आ चुका है, ठीक है, तो वो सब भी आ चुका है, लेकिन बहुत सारी थ्योरी आ गई है। लेकिन हमको हमारे सिलेबस के लिए हमको इतना पढ़ना है, इतना हमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो एक्चुअली जो पहले थ्योरी है उसको हम एक्चुअली वर्नर थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? वर्नर थ्योरी। ये भी हम इसका नाम लेते हैं। तो ये हमको चार तरीके की थ्योरी पढ़नी है, एक एक करके हम सारे थ्योरी को समझते हैं, ठीक है ना। सारी थ्योरी को हम समझेंगे लेक्चर वाइज लेक्चर, जितना जितना खत्म होगा उस हिसाब से हम यहाँ पर लेक्चर वाइज लेक्चर हम सारी थ्योरी को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर वर्नर थ्योरी। सबसे पहले हम क्या समझते हैं बच्चों? वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी एक्चुअली में होती क्या है हमारी, समझते हैं यहाँ पर। थ्योरी, अब देखो मैंने इसका नाम क्या लिखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ये मैंने नाम लिखा था। समझ में आ रहा होगा आपको, ये मैंने नाम लिखा था आपको प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। कहीं ना कहीं वर्नर थ्योरी का रिलेशनशिप प्राइमरी वैलेंसी के साथ भी होगा और या फिर सेकेंडरी वैलेंसी के साथ भी होगा। अब जब उसका रिलेशनशिप प्राइमरी वैलेंसी के साथ होगा तो क्या करेंगे, और सेकेंडरी वैलेंसी के साथ होगा तो क्या करेंगे। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज अ प्राइमरी वैलेंसी एंड व्हाट इज अ सेकेंडरी वैलेंसी। पहला कंसेप्ट हमारा वही होगा, व्हाट इज अ प्राइमरी वैलेंसी एंड व्हाट इज अ सेकेंडरी वैलेंसी। तो मैं आपको दो तरीके के कंपाउंड बताता हूँ। कितने टाइप के कंपाउंड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर? दो टाइप के कंपाउंड मैं आपको लिखता हूँ, जिससे आपको 100% श्योरली समझ में आ जाएगा व्हाट इज अ प्राइमरी वैलेंसी एंड व्हाट इज अ सेकेंडरी वैलेंसी। दो कंपाउंड लिख रहा हूँ उससे आपको 100% आई एम डैम श्योर कि आपको अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर व्हाट इज अ प्राइमरी वैलेंसी एंड व्हाट इज अ सेकेंडरी वैलेंसी। आई एम डैम श्योर कि इसके बाद अब आपको कभी भी किसी कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट ना पड़े, ये मैं फाइनल बताऊंगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। तो ये कंसेप्ट आप लोग इतना ही कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये मैंने लिखा, कोई दो अलग अलग कंपाउंड लिखे, ठीक है। ये मैंने कुछ कंपाउंड लिखे हैं, अब इसमें मुझे बताना है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। तो समझना है एक एक करके। सबसे पहले मैं इसको डिफरेंस करके लिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी बच्चों, बातों को समझेंगे। अब देखो प्राइमरी वैलेंसी हमारी वो वैलेंसी होगी जो आयोनिक बॉन्ड को सेटिस्फाई करेगी। सिंपल नहीं आया समझ में? देखो प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग जनरली क्या बोलेंगे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग यहाँ पर जनरली बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर प्राइमरी वैलेंसी को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में बात करूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर होती है प्राइमरी वैलेंसी। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर होती है विच इज शोन बाय डॉटेड लाइन
जिसको डॉटेड लाइन के हिसाब से हमको दिखाया जाता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। ये भी आपको दोनों चीज़ें पढ़ा चुका हूँ मैं। सेकेंडरी वैलेंसी इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, विच इज शोन बाय सॉलिड लाइन, ठीक है, सॉलिड लाइन। बात क्लियर है? आप समझते हैं प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, समझना आप यहाँ पर। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। यहाँ पर दो कंपाउंड आया, यहाँ पर ही ले लेता हूँ, यहाँ पर दो कंपाउंड ले लेता हूँ मैं। इसको ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर एक बार पहले NH3, पहले CO, NH3, 6, Cl3। अब सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए बच्चों आप लोग। सबसे पहले आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, फिर मैं आपको नोट वाला स्पेशल पॉइंट दूंगा, मेरा खुद का स्पेशल पॉइंट जिससे आपके बहुत बड़े क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सबसे पहले इसका। तो इसका मैंने बोला X 6, इसका कितना होता है चार्ज 0। अब यहाँ पर कितना होगा, 3 Cl है तो यहाँ पर +3 होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया +3। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों यहाँ पर +3। बात क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आपका NH3 का कोई यूज हुआ? क्या आपका NH3 का कोई यूज हुआ? NH3 का तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? NH3 पे तो चार्ज आपका क्या होता है बच्चों? 0 होता है। NH3 पे चार्ज आपका क्या होता है? 0 होता है। तो क्या आपका NH3 का यूज हुआ? नहीं हुआ। केवल किसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर आया यहाँ पर? Cl की वजह से। किसकी वजह से आया? Cl की वजह से। अगर Cl -1 नहीं होता, 0 होता, तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर आता? नहीं आता। तो NH3 की वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर किसकी वजह से आया? Cl की वजह से। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या होगा बेटा? यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी। बात को समझना, प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, अब कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड का क्या होगा? इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ठीक है? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो बेटा, इसका निकालो। तो यहां पर कितने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका, नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। क्या डेंसिटी? तो नंबर ऑफ लिगेंड बताओ कितने बच्चे यहाँ पर? छः लिगेंड है और इसकी डेंसिटी 1 होती है, मतलब एक ही एटम आपका लोन पेयर दे सकता है। तो बाइडेंटेड तो नहीं है, यूनिडेंटेड है, बताया ये मैंने। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे, ये आपका 6। चलो बहुत बढ़िया, मेरा काम था सेकेंडरी वैलेंसी निकाल लेना और ये प्राइमरी वैलेंसी। तो इसको बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी और इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वैलेंसी। चलो ठीक है, लेकिन सर इसको दिखाएंगे कैसे? इसको स्ट्रक्चरली हम कैसे दिखाएंगे सेकेंडरी वैलेंसी? तो आपके पास डाउट होगा, सर हम इसको दिखाएंगे कैसे, शो कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था प्राइमरी वैलेंसी इज शोन बाय अ प्राइमरी वैलेंसी इज शोन बाय डॉटेड लाइन एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज शोन बाय सॉलिड लाइन। तो अभी मैं एज एग्जांपल के लिए, ये आपके एग्जांपल पे नीचे की ओर लिखना लाइनों को समझने के लिए, अभी इसमें डिफरेंस के लिए इतना लिख लो, यहाँ तक मैं डिफरेंस बात बता दूंगा, इसके नीचे आप लोगों को लिखना है ये वाला, ठीक है। अब यही लिखता हूँ मैं इसके सामने, आप लोग इसके सामने स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ मत बनाना है स्ट्रक्चर, आप लोग डिफरेंस वाले इंडेक्स में स्ट्रक्चर मत बनाना, मैंने पहले ही बता दिया, आप लोग गलती वापस मत करना, यहाँ मत बनाना, आप लोग नीचे लिखो एग्जाम्पल, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ साथ साथ ताकि आपके कंसेप्ट भी फुलफिल क्लियरली होते होते जाए, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बच्चों? स्पेस का मैं तो मैं ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने CO ले लिया, कितने NH3 जुड़े हुए हैं बच्चों? 6, और 6 के 6 NH3 आपके लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं, हाँ। तो ये सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। सर क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। तो ये भी आपका NH3, ये भी आपका NH3, ये भी आपका NH3, और कितने Cl है जो आपके डॉटेड लाइन से जुड़े होंगे? 3 Cl है, तो 3 Cl बना दिया मैंने डॉटेड लाइन से, एक Cl कहीं पर भी बना दिया, ठीक है। अब डॉटेड लाइन से जो शो किया, दैट इज शोन व्हाट?
ये आपका क्या दिखा रहा है? दिस इज शोइंग प्राइमरी वैलेंसी एंड सॉलिड लाइन इज शोइंग व्हाट कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। बात समझ में आ गया? अब अगर मैं बोलना चाहूँ कि इसको अगर मैं पानी में तोड़ूंगा तो पानी में केवल और केवल आपका कौन सा पार्ट टूटेगा? Cl वाला पार्ट टूटेगा। पानी में केवल और केवल आपको डालूंगा तो आपको बताया था मैंने यहाँ पर CO NH3 6 3 प्लस और यहाँ पर 3 Cl माइनस। मतलब पानी में Cl आपका ब्रेक हो रहा है, पानी में आपका Cl ब्रेक हो रहा है, हो रहा है ना? हाँ या ना? हो रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है पानी में Cl मैंने पहले दिन ही बताया था विच कैन नॉट डिसोसिएटेड कम्प्लीटली, वही बताया था कुछ ऐसा। तो पानी में Cl अगर आपका ब्रेक हो रहा है इसका मतलब ये जो डॉटेड लाइन होते हैं वो आयोनाइजेबल होते हैं, वो टूट सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या होंगे, इसको बोलेंगे आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल वैलेंसी। इसका नाम एक और क्या होगा, आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है ये। एक तरीके की कौन सी वैलेंसी होती है? आयोनाइजेबल वैलेंसी। इसको आयोनाइजेबल वैलेंसी से भी हम शो कर सकते हैं। अब बताओ क्या पानी में डालने पर NH3 बाहर निकल रहा है? नहीं निकल रहा, आपके पास जवाब नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। समझ में आया? नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। बात क्लियर है? नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, ये हो गया, ठीक है? अब देखो मतलब ये एक्चुअली में आपका किस लिए काम आता है बच्चों? आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर ये आपका क्या होता है? कॉस, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। कॉस टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, कॉस टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। अब समझ में आ गया होगा, ये जब आयोनाइजेबल है तो ये कौन सा कंपाउंड बनाने के काम आएगा? आयोनिक कंपाउंड बनाने के काम आएगा। और ये नॉन आयोनाइजेबल है तो ये आयोनिक कंपाउंड बनाने के आपके काम नहीं आएगा। तो ये किस लिए काम आता है? कॉस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बनाने का काम होता है, अंदर वाला, ये बाहर वाला। समझ में आ गया? चलो ये क्वेश्चन था तो सर हमको पूरा क्लियर हो गया कि कैसे होता है। एक और एग्जांपल मैंने लिखा था, आई होप कि आप लोगों को याद होगा। नहीं याद है कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल मैंने लिखा था, अब देख लेते हैं एक और एग्जांपल, उससे और भी कई बातें मुझको पता पड़ेगी, बहुत अच्छी बात पता पड़ेगी, एक ऐसी बात पता पड़ेगी कि जिसके बारे में आप हमेशा गलती करोगे, ठीक है? अक्सर बच्चे गलती करते हैं वहाँ पर, अक्सर, गारंटी, आई एम डेम श्योर कि आप लोग भी गलती ना करो। अब आप बताने के बाद गलती ना करो। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोगों को, एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ मैं एक, आप घबराओ मत, बहुत ईजी पेपर आता है इससे रिलेटेड। ये हो गया एक एग्जाम्पल, अब चेक करें, चेक करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, मतलब प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं, प्राइमरी वैलेंसी, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होगा? आयोनाइजेबल वैलेंसी। इससे भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है? आयोनाइजेबल वैलेंसी निकालेंगे, निकालो CO का निकालना है मुझे, तो ये क्या कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स, इसको क्या बोलेंगे? एक्स। NH3 का कितना होगा बच्चों यहाँ पर? जीरो। NH3 का कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? जीरो, ठीक है? अब कितने Cl है बच्चों यहाँ पर? दो Cl है अंदर, ठीक है? तो -1। अब ये टूटेगा आपका तो यहाँ पर क्या जाएगा? Cl माइनस। अगर इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा था Cl, सही कर देता हूँ मैं इसको, फिर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगर इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा? CO NH3 4 Cl2, ये आ गया प्लस और ये आ गया Cl माइनस, ठीक है? ये आपका हो गया। अब इसको अब हम समझते हैं कि क्या है। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मतलब इसका निकालना है, बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? +1। अब जल्दी करो, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2 + 1। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया बच्चों यहाँ पर? +3। तो यहाँ पर कोबाल्ट का कि क्या आ गया? +3। तो यहाँ पर इसकी प्राइमरी वैलेंसी आ गई +3। यहाँ पर इसकी क्या आ गई बच्चों? प्राइमरी वैलेंसी आ गई +3, मतलब या फिर आयोनाइजेबल वैलेंसी आ गई +3, ठीक है? अब सर इसमें क्या नया है? लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्वेश्चन में भी तो आपने बताया था प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर होता है, नई बात क्या है? अब देखो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? प्राइमरी वैलेंसी में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है?
पहले पहले क्वेश्चन में क्या प्राइमरी वैलेंसी में अमोनिया पार्टिसिपेट किया था, उसका तो जीरो था ना, तो प्राइमरी वैलेंसी में यहाँ पर एक ये वाला सीएल भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाला सीएल भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, ये वाला सीएल भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाला सीएल भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाला सीएल मतलब प्राइमरी वैलेंसी में आपका लिगेंड भी पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, लिगेंड, ठीक है, जो कि किस टाइप का है, एनायनिक या फिर चार्ज लिगेंड। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं इन प्राइमरी वैलेंसी, आप यहाँ से समझो प्राइमरी वैलेंसी में आपका चार्ज लिगेंड भी पार्टिसिपेट कर जाता है, प्राइमरी वैलेंसी में आपका चार्ज लिगेंड भी पार्टिसिपेट कर जाता है, लेकिन न्यूट्रल लिगेंड आपका प्राइमरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, इन प्राइमरी वैलेंसी सी आयोनिक लिगेंट विल पार्टिसिपेट बट न्यूट्रल लिगेंट इज नॉट पार्टिसिपेट। मतलब लास्ट लास्ट वाले एग्जांपल में अमोनिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था प्राइमरी वैलेंसी में, उसमें बाहर वाले की वजह से आया था। अब यहाँ अकेले बाहर वाले की वजह से थोड़ी ना आया है, यहाँ पर इस सी एल टू की भी वजह से आया, तो प्राइमरी वैलेंसी में आपका आयोनिक लिगेंट पार्टिसिपेट करता है बट न्यूट्रल लिगेंट आपका पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब बात आ गई, अब सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी एक्चुअली में होती क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो या सेकेंडरी वैलेंसी, अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी में कौन कौन पार्टिसिपेट किया, प्राइमरी यहाँ पर लिख देता हूँ, इन प्राइमरी वैलेंसी टू सी एल माइनस लिगेंड की वजह से आया और एक सी एल माइनस काउंटर आयन की वजह से आया, किसकी वजह से आया, काउंटर आयन की वजह से, बात क्लियर है, एक इसकी वजह से आया एक इसकी वजह से आया, लास्ट में कि केवल और केवल किसकी वजह से आया था, काउंटर आयन की वजह से। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों, तरीका क्या है, नंबर ऑफ लिगेंट एंड डेंटिसिटी। अब नंबर ऑफ लिगेंट कितना है बच्चों, यहाँ पर चार लिगेंट है अमोनिया का डेंटिसिटी 1 और चार है क्लोरीन का, या दो है क्लोरीन का और क्लोरीन का यूनिडेंटेड होता है, ठीक है, टोटल कितना हो गया बच्चों 6। इसका इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया बच्चों 6, जो कि आपके किसको बता रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेकेंडरी वैलेंसी से 6 लाइनें निकाल दो, 6 लाइनें, 6 में से 4 लाइनों को कौन ऑक्यूपाई करेगा, NH3, चार आपके NH3 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी इज शोन बाय अ सॉलिड लाइन, तो मैंने सॉलिड लाइन बनाया, ठीक है, और दो वैलेंसी कौन ऑक्यूपाई करेगा, क्लोरीन, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि प्राइमरी वैलेंसी में ये दो सीएल भी पार्टिसिपेट किए हैं ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये डॉटेड लाइन भी होगा और यहां पर एक डॉटेड लाइन के साथ ये बाहर वाला सीएल, तो कुछ अंतर समझ में आया। तो यहां पर केवल और केवल आयोनाइजेबल कौन सी होती है, डॉटेड लाइन, नॉट डॉटेड लाइन प्लस सॉलिड लाइन, ये वाला आयोनाइजेबल होगा। क्या ये सीएल में बाहर निकाल सकता हूं, ये दोनों नॉन आयोनाइजेबल होंगे, ये वाले भी दोनों के दोनों नॉन आयोनाइजेबल होंगे, ठीक है, ये वाला आपका क्या होगा, आयोनाइजेबल सीएल, ये भी आपका नॉन आयोनाइजेबल होगा। बात समझ में आ गया, ये वाला आपका कौन सा होगा, आयोनाइजेबल, मतलब ये पानी में बाहर निकल जाएगा, पानी में सीएल आपका टूट सकता है, पानी में ये वाला आपका बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक भी हुआ तो यहाँ पर एक सॉलिड लाइन है, समझ में आ गया। ये दोनों एग्जांपल को अच्छे से डील करो, यहाँ पर ये वाले पॉइंट को समझो, प्राइमरी वैलेंसी में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, ध्यान से एकदम एक्यूरेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, इन सेकेंडरी वैलेंसी ओनली लिगेंड्स आर पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट मतलब हमको लिगेंड से ही मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। आई होप सो कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक्चुअली ये आपका क्या है, ये एक्चुअली आयोनिक बॉन्ड बनाने के काम में आता है ना, काउंटर आयन की वजह से जो प्राइमरी वैलेंसी है, जनरली आपका क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी आपका आयोनिक बॉन्ड को फॉर्म करता है। देखो यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड, तो ये एक्चुअली नॉन डायरेक्शनल नेचर की होती है। आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, बट कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, पूछो क्यों? कोवलेंट बॉन्ड आपके दो नॉन मेटल के बीच बनता है। ठीक है, नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पार्शियल माइनस आएगा, यहाँ पार्शियल प्लस आएगा, ऐसा कुछ बताया था। ठीक है, वो तो डायरेक्शन हो गया ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही आयोनिक कंपाउंड को मैं देखूंगा, तो आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड इज नॉट अ बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड इज अ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस, अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। आयोनिक बॉन्ड इज नॉट अ बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। सो मतलब आप समझना, यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड हमेशा क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आज से ध्यान रखो, आयोनिक बॉन्ड जो भी होगा ये आपका क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। तो आपकी प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, या आपका नेचर में क्या हो जाएगा, नॉन डायरेक्शनल। और ये नेचर में क्या होगा बच्चा, आपका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ये आपके डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को कैरी करेगा, हेल्ड करेगा, ये आपके डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को हेल्ड करेगा। तो ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को आपको हेल्ड करने वाला है। ठीक है, आई होप सो कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका प्राइमरी वैलेंसी है और किस तरीके से आपका सेकेंडरी वैलेंसी है, ये मैंने आपको बताया। अब आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई है, कौन सी चीज़ें टूटेगी, कौन सी चीज़ें नहीं टूटेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ था, सिंपल है। ठीक है, आई होप कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा। थियोरी को एक दो बार आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो वंडर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं काफी अच्छा वाला, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसको आपको डील करना है। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो अब आपको आ गया होगा। आई होप सो कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर। यहाँ पर ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी नंबर ऑफ आयन एंड फाइंड फाइंड नंबर ऑफ आयन आयन एंड अरेंज इट्स अरेंज द ऑर्डर ऑफ अरेंज द ऑर्डर ऑफ अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर सॉरी अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी। ठीक है, आपको अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। तो पहला आपको दिया गया ये, अभी अभी बताया ऐसा कुछ क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ, ये आपको दिया है फर्स्ट। ठीक है, आपको दिया है एक और CO NH3 4 Cl2 Cl, ये हो गया आपका सेकंड CO NH3 5 Cl Cl2, ये हो गया आपका थर्ड CO NH3 thrice Cl3, ये हो गया आपका फोर्थ। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो यहाँ पर समझना बात को ध्यान से, अब देखो यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है,
आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना है, क्या बनाना है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर भी बनाएंगे डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन बताते हुए, चलो ठीक है चालू करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है बच्चों, CO का। अब ये टूटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 माइनस, मैं अब तोड़ूंगा नहीं, सॉरी 3 प्लस आ जाएगा, मैं अब तो तोड़ूंगा नहीं, अब आपको खुद आना चाहिए। अब देखो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, एक्स प्लस 6 × 0 इक्वल टू +3। ये +3 क्यों आया, Cl की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों आपका, x इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो फटाफट। ये हो गया प्राइमरी वैलेंसी, ये हो गया PV प्राइमरी वैलेंसी, और ये हो जाएगा SV सेकेंडरी वैलेंसी। बताओ सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ लिगेंट, नंबर ऑफ लिगेंट एंड इट्स आइडेंटिसिटी, 6 लिगेंट है और आइडेंटिसिटी 1 है, तो कि क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो 6 लाइन आपके कोबाल्ट से जो 6 लाइन चलेंगे वो कौन से होंगे बच्चों, आपके सॉलिड लाइन। कोबाल्ट से जो 6 लाइन चलने वाले वो कौन से होंगे बच्चों, सॉलिड लाइन। तो ये एक सॉलिड, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक और ये एक। तो यहाँ पर सॉलिड लाइन से केवल और केवल सेकेंडरी वैलेंसी वाले जुड़ेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी केवल और केवल कौन शो कर रहा है बच्चों, यहाँ पर अमोनिया। तो अमोनिया लगा दिया मैंने, अमोनिया लगा दिया, और कितने Cl है, कितने Cl आपके टूट पा रहे हैं बाहर पानी में, 3 Cl आपके जो टूट पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 Cl लगा दिया, यहाँ पर मैंने एक और Cl लगा दिया, यहाँ पर मैंने एक और Cl लगा दिया, ठीक है। ये बात आपको पहला स्ट्रक्चर आपने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, तो इसके नंबर ऑफ आयंस मैं यहीं पर बता देता हूँ, फर्स्ट ऊपर लिख देता हूँ। इसको तोड़ो पानी में, पानी में तोड़ने पर क्या होगा, CONH3 6, यहाँ पर होगा 3 प्लस, और यहाँ पर क्या होगा 3 माइनस। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस, यहाँ पर 3 माइनस चार्ज है, 1 प्लस चार्ज है, तो टोटल आयंस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए बच्चों, यहाँ पर 3। तो पहले में आपका टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, पहले में टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए बच्चों, यहाँ पर 3, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर सेकंड वाले को अब देख लेते हैं हम, सेकंड ऑप्शन को देखो, पहले इसको तोड़ लेते हैं, इसको सेकंड को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। तोड़ो इसको, क्या आ जाएगा, CONH3 4Cl2 और यहाँ पर माइनस प्लस और यहाँ पर Cl-। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, प्राइमरी वैलेंसी, तो निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, ठीक है। देखो आपको इतनी बार प्रैक्टिस करा दूंगा, अब आपको याद हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो ये एक्स प्लस 4NH3 का 0, यहाँ पर 2Cl के ऊपर -1 और यहाँ पर +1, ठीक है। देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर +3। x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर +3, ठीक है। x इक्वल टू आ गया बच्चों यहाँ पर +3 आपका, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर x इक्वल टू आपका आ गया +3। नाउ यहाँ पर अब हम निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपका, SV मतलब सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा बच्चों बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी आपका लिगेंट की वजह से आएगा। तो लिगेंट, नंबर ऑफ लिगेंट 4 अमोनिया है और कितना है, आइडेंटिसिटी 1 है, यहाँ पर 2 है और डेंटिसिटी क्या है, 1 है, तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाला भी Cl, ये वाला भी Cl, तो दोनों में डैश लाइन आएगा। तो ये आपका डैश लाइन वाला होगा और ये आपका कौन सी लाइन वाला होगा, सॉलिड लाइन वाला, ठीक है, सॉलिड लाइन वाला। तो अब स्ट्रक्चर बना बनाते हैं। अब देखो CO से सबसे पहले 6 लिगेंट है ना, तो 6 के 6 लिगेंट मतलब 4 अमोनिया 2 Cl, तो सॉलिड लाइन वाला बना दिया, 4 अमोनिया और 2 Cl, ठीक है, 4 अमोनिया 2 Cl। अब क्या होगा, जो ये अंदर वाला Cl है वो आपका प्राइमरी वैलेंसी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वो आपका किस में पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी में भी। तो ये आपका प्राइमरी वैलेंसी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए डैश लाइन से दिखा देंगे और यहाँ पर डैश लाइन से Cl, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो गए, सेकेंड में टोटल नंबर ऑफ आयन हो गए, ये साइड में लिखते जाओ, सेकेंड में टोटल नंबर ऑफ आयन्स होंगे बच्चों यहाँ पर 2। अभी भी निकाला ना, एक एनायन होगा, एक कैटायन होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगले में क्या करेंगे बच्चों, फिर से वही कहानी दोबारा,
दोबारा वही कहानी में उतना अब डिस्क्रिप्शन में लिखा नहीं पाऊंगा, आप लोगों को इसको करना चाहिए खुद भी, अब एक दो बार खुद भी करना चाहिए, सेकंड और ये फोर्थ। अब देखो यहाँ पर तो तोड़ दो इसको, CO NH3 5 Cl, और यहाँ पर 2 Cl माइनस, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। नंबर ऑफ आयन कितने आ गए थर्ड में, थर्ड में टोटल नंबर ऑफ आयन हो गए, नंबर ऑफ आयन हो गए बच्चों कितने, 2 माइनस चार्ज है और 1 प्लस चार्ज है, तो टोटल कितने हो गए, 3। अरे बेटा सिंपल बात है, कंडक्टिविटी, कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से जनरेट होता है, आयन्स के मूवमेंट की वजह से। तो जितने ज़्यादा आयन्स होंगे उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी डेवलप होगा। तो लास्ट जो हमको क्या पूछा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ना। अब कंडक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हम कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ आयन से हम लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज देन कंडक्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। नंबर ऑफ आयन इंक्रीज देन कंडक्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। देखो अब करो फटाफट, यहाँ पर अब हमको क्या निकालना है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा बच्चों बोलो, अब प्राइमरी वैलेंसी आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, CO का निकालना है, तो X प्लस फाइव के ऊपर चार्ज कितना आएगा, 0, क्योंकि अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू प्लस 1, देन एक्स इक्वल टू कितना आ गया, प्लस 2। अब क्या प्राइमरी वैलेंसी में यहाँ पर प्लस 2 आएगा, ये गलती कर दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 2 आएगा, क्योंकि 2 माइनस है ना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, ठीक है, ये प्लस 3। अब आपको समझ में आ गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकाल लिया प्लस 3, मतलब यहाँ पर एक अंदर वाला लिगेंड भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एक अंदर वाला लिगेंड भी आपका प्राइमरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इसको हम कौन से लाइन से दिखाते हैं, डैश लाइन से, ठीक है, डैश लाइन से। अब देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी, इसको हम कैसे निकालेंगे समझेंगे। अब देखो इसको हम कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर 5 × इसकी डेंटिसिटी 1 और यहाँ पर 1 Cl है, तो इसकी डेंटिसिटी भी 1, टोटल कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 1 1, यहाँ पर हो गया 6, इसकी डेंटिसिटी कितनी आ गई बच्चों, 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर को हम किससे दिखाते हैं बच्चों, सॉलिड लाइन से, किससे दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से। तो बात समझ में आ गया, अब हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाएं इसका। देखो CO को क्या बोलेंगे, CO में आपके CO मतलब पहले सॉलिड लाइन से जुड़े रहेंगे, 6 के 6 लिगेंड है ना, 5 और 1 ही 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड को जोड़ दिया मैंने, अमोनिया Cl, एक Cl है ना, 5 अमोनिया है, 1 Cl है। अब देखो क्या ये वाला Cl अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, हाँ प्राइमरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को डैश लाइन से बनाते हैं, तो प्राइमरी वैलेंसी में ये वाला Cl भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाला भी, तो ये प्राइमरी वैलेंसी के लिए भी जाएगा और 2 Cl आपके बाहर वाले वैलेंसी के लिए। देखो स्ट्रक्चर बनाना तुम लोगों को अब समझ में आने लग गया होगा, एक दो क्वेश्चन और इसको लास्ट कर लेते हैं ताकि पूरा क्लेरिफाई हो जाए आपको क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। वर्नर थ्योरी अच्छे से होना चाहिए बच्चों, कई बार हम इसको छोटा टॉपिक समझ के छोड़ देते हैं, एक्चुअली बात यह है कि हम इस टॉपिक को छोटा टॉपिक समझ के छोड़ देते हैं, हम बातों की सीरियसनेस को हम समझ नहीं पाते, ठीक है, छोटा टॉपिक नहीं है, यहाँ से अगर क्वेश्चन निकाले तो आई होप सो कि मैक्सिमम स्टूडेंट फंस जाएंगे इन सब में, उनको लगेगा क्या हो रहा है ये, लेकिन इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ की कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होती है, अभी तो क्वेश्चन कम पूछे गए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो इधर, अब इससे अगले साल क्या पता है इससे क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से, तो इसलिए फोकस कर लो इस टॉपिक पर अच्छे से। NH3 3 Cl3, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज होगा, नहीं, 0 चार्ज है, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो फोर्थ में टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हो गए, फोर्थ में आपके टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो गए, 0, टोटल नंबर ऑफ आयन, आयन थोड़ी ना ये तो न्यूट्रल है, आयन थोड़ी ना, टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो गए, 0 हो गए, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहले ON निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं प्राइमरी वैलेंसी ON, प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकलेगी बच्चों, इसका X प्लस 3 अमोनिया का 0 प्लस 3
सी एल का माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, थ्री। ये आपको कौन से लाइन से दिखाते हो, आप इसको डैश लाइन से, आप इसको कौन से लाइन से दिखाते हो, डैश लाइन से, आप इसको डैश लाइन से दिखाते हो। अब देख लेते हैं अगला कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी को हम किससे दिखाते हैं बच्चों, देख लेते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी में लिगेंड चलता है नंबर ऑफ लिगेंड इनटू इट्स डेंटिसिटी। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने बच्चों, चेक कर लो, नंबर ऑफ लिगेंड चेक करो बच्चों, इसमें कितने, देखो तीन अमोनिया है इसकी, ये आपका यूनिडेंटेड होता है तो वन यूनिडेंटेड। अब बेटा मैंने बताया था, ये कोशिश करो, ये तीन अमोनिया यूनिडेंटेड वन, और यहाँ पर तीन क्लोरीन है यूनिडेंटेड वन, टोटल कितने हो गए बच्चों, ये आपका सिक्स। ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का एक पूरा पूरा लेक्चर ही लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स आ गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कौन से लाइन से दिखाते हैं बच्चों, सॉलिड लाइन से, कौन से लाइन से, सॉलिड लाइन से। अब देखो सॉलिड से दिखाते, सॉलिड लाइन से दिखाते। अब यहाँ पर सी ओ बनाओ, सी ओ में छः लिगेंड है, लिगेंड हमेशा सॉलिड लाइन से ही अटैच होंगे, लिगेंड हमेशा सॉलिड लाइन से ही अटैच होंगे। जोड़ दिया मैंने, ये तीन एन एस थ्री जोड़ दिया, तीन आपके सी एल जोड़ दिया, तीन एन एस थ्री जोड़ दिया और तीन सी एल जोड़ दिया। अब तीन सी एल जोड़ना है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये सी एल आपके प्राइमरी वैलेंसी को लाने में मदद कर रहा है? हाँ कर रहा है, तभी तो प्लस थ्री आ रहा है। अगर ये सी एल नहीं होता तो प्लस थ्री आता नहीं, आता क्योंकि इसका एनायनिक लिगेंट है ना, मैंने लिखवाया था आयोनिक लिगेंट विल पार्टिसिपेट इन प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी ऑल्सो। ठीक है, दोनों में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा डैश लाइन, यहाँ पर भी डैश लाइन, यहाँ पर भी डैश लाइन। क्या ये आयोनाइजेबल है? नहीं है। क्या ये आयोनाइजेबल है दोनों? हाँ, यहाँ पर दो आयोनाइजेबल है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर तीनों आयोनाइजेबल है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आयन मैंने लिखे, ठीक है, तो नंबर ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी। मतलब जितना नंबर ऑफ आयन होगा उतना चार्ज, उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब बताओ नंबर ऑफ आयन किस में ज़्यादा है, नंबर ऑफ आयन सबसे पहले बेटा इसमें तीन और ये चार, चार है आयन, सॉरी इसमें आपके आयन्स कितने बच्चों, फोर है, ये तीन माइनस है और एक प्लस है, फोर आयन्स है। ठीक है, इसमें दो है कन्फर्म, इसमें तीन है, चलो ठीक है। अब बताओ ना सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी बच्चों आपके फर्स्ट की, ठीक है, उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद होगी थर्ड की, थर्ड के बाद किसकी होगी, सेकेंड की, सेकेंड के बाद किसकी होगी बच्चों, फोर्थ की। तो ये वो ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, ये क्या हो गया बच्चों आपका ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। आई होप सो कि आप ये क्वेश्चंस आप लोगों से कभी छूटेंगे नहीं, आप लोगों से कभी छूटेंगे नहीं, और आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लोगे। ठीक है, ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लोगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लूँगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, बार बार अगर आप पूछोगे कोई भी डाउट तो मैं आपको 100% बताऊंगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।